रायपुर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, शिक्षक और स्टाफ को वैक्सीन लगवानी होगी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग की तैयारियों को लेकर न्यूज 24 ने मुद्दा उठाया था। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शिक्षा विभाग ने आदेश अब जारी कर दिया है कि सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को वैक्सीन लगवानी जरूरी है, अनिवार्य उनके लिए होगा। 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ये आदेश जारी किया गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 2.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। अब ये अनिवार्य किया गया है कि आपको वैक्सीन लगवानी जरूरी होगी अगर आप स्कूल पहुंच रहे हैं तो। शिक्षक संघ का दावा है कि 60 से 65% को वैक्सीन भी लग चुकी है, तो राहत की बात है कि 60 से 65% जो शिक्षक हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंत्री के संज्ञान लेने के बाद यह आदेश जारी किया गया है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये आदेश बेहद अहम है क्योंकि हर कोई सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, शिक्षक सुरक्षित रहे, स्टाफ सुरक्षित रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 100% वैक्सीन हो सके, क्योंकि बच्चों की अभी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में बड़े वैक्सीनेट हो, इसकी पहल की गई है। शिक्षा विभाग ने अब इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, इस पर हमने जिम्मेदारों से सवाल किए थे, हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस पर सवाल पूछा था, जिसके बाद शिक्षा विभाग को भी हमने सूचित किया इस मुद्दे को लेकर। उनसे भी हमने सवाल किए कि कितने प्रतिशत शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका है, ये डेटा सार्वजनिक किया जाए। और अब आपको बता दें कि 60 से 65% शिक्षक जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं, इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई। 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग की तैयारियों को लेकर न्यूज 24 ने मुद्दा उठाया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्या राजपूत मौजूद हैं। सत्या, बड़ी असर एक बार फिर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का। बिल्कुल, मुहिम रंग लाई है और कैबिनेट बैठक के बाद जो स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, उसके बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने डिबेट का आयोजन किया था, जिसमें स्कूल के तैयारियों को लेकर बात की गई थी और वहां चूक होने से कितने खतरनाक हो जाएंगे, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। साथ में ये सवाल को लेकर मंत्रियों से भी सवाल पूछा गया था, तो उस दौरान मंत्री ने संज्ञान लिया और मंत्री ने कहा था कि इस पर आदेश जारी किया जाएगा और शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी शिक्षक और स्कूल के अन्य स्टाफ हैं उनको स्कूल खोलने से पहले वैक्सीन लगवानी होगी। हालांकि शिक्षक संघ का कहना है कि 60 से 65% जो शिक्षक हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में उनका ट्रेसिंग में ड्यूटी लगाई गई थी, उस दौरान उनको वैक्सीन लगा है, कुछ शिक्षक को ही लगा है और स्कूल में अन्य तमाम विभाग में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अन्य स्टाफ होते हैं, प्यून होते हैं, इन तमाम लोगों को अब भी वैक्सीन नहीं लगा है। चूंकि प्रदेश में 56 लाख विद्यार्थी हैं और 56 लाख विद्यार्थी अगर स्कूल पहुँचते हैं, ऐसे में अगर थोड़ी सी चूक होती है तो घर घर कोरोना पहुंचने का चांस है। भले ही अभी कोरोना का दर छत्तीसगढ़ में कम है, मरीज कम मिल रहे हैं, लेकिन जरा सी भी सावधानी में चूक हुई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़े मात्रा में जो है जो बच्चे प्रभावित हो सकते बड़ी है, एक पहल की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। रात भरी खबर तो यह है कि 60 से 65% शिक्षकों को वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।